लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सेवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। नमस्ते नमस्ते। जय मसीह की जय मसीह की। व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज टू कम एंड हैव फेलोशिप वंस अगेन विद यू। और ये सच में कितनी अद्भुत बात है कि एक बार आकर फिर से आपके साथ संगति कर सके। आई ट्रस्ट दैट यू हैव ऑल बीन कीपिंग वेल। मैं भरोसा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। दैट यू हैव बीन रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। एंड यू हैव बीन स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर। और आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। दैट यू हैव बीन वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। कि आप प्रभु की राह देखते रहे हैं। एंड आस्किंग हिम टू शो यू What is there for you in the future? और आप उससे मांग रहे हैं कि आपको दिखाए कि भविष्य में आपके लिए क्या रखा है। Now the time of Lent is a time when we wait before God. अब लेंट का ये ऐसा समय जहाँ पर हम परमेश्वर के सामने राह देखते हैं। We ask Him for a cleansing. हम उसे शुद्धिकरण मांगते हैं। We think about and meditate upon the cross of Jesus. हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में सोचते हैं, उस पर मनन करते हैं। Upon the burden that He bore for us. और वो बोझ जो उसने हमारे लिए उठाया है। It is a very important time of commitment. और ये तो समर्पण का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। So every year we can spend special time with Jesus. और इसलिए हर साल हम यीशु मसीह के साथ में खास समय बिता सकते हैं। And therefore we are doing a series of Lenten messages. और इसलिए हम लेंटन के संदेश के ऊपर एक पूरी सीरीज कर रहे हैं। Now the first one we did was the fall of man. और सबसे पहले जो हमने देखा है वो है तो मनुष्य का पतन। And the violation of God's creation. और परमेश्वर की सृष्टि का उल्लंघन किया जाना। The second we saw was transformation. और दूसरा जो हमने देखा है वो तो बदलाव है। A change in the Lenten season. और ये तो लेंटन समय में आने वाला बदलाव है। Thirdly we saw the cross. और तीसरी बात जो हमने क्रूस को देखा है। A call to repentance. हमने देखा है कि क्रूस तो पश्चाताप के लिए बुलावा है। And then we saw the blood of Jesus. और फिर हमने यीशु का लहू देखा।
दिखा है एंड व्हाट इट डज फॉर अस और वो हमारे लिए क्या करता है ये दिखा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट जीसस एंड हिज पावर टू क्लेंस अस और आज हम देखेंगे कि यीशु और उसकी सामर्थ्य हमें शुद्ध करने के लिए उसकी जो सामर्थ्य है वो देखेंगे द क्लेंसिंग पावर ऑफ जीसस इज सो एसेंशियल फॉर आवर फेथ अब हमारे विश्वास के लिए यीशु की शुद्धिकरण की सामर्थ्य बहुत ही जरूरी है नाउ When we talk about the cleansing power of Jesus, जब हम यीशु मसीह के शुद्धिकरण की सामर्थ्य के बारे में कहते हैं, we want to look at what John has written in his epistle. तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना ने अपनी पत्री में क्या लिखा है। In the first book of the epistle of John, verses 5-8, यूहन्ना की पत्री अध्याय एक वचन 5-8 इस तरह से कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। परंतु जैसा यदि वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। Now that is so essential for us. अब ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because John is telling us. क्योंकि यूहन्ना यहाँ पर हमें बताता है। That Jesus came into this world primarily to give Himself as a sacrifice. कि यीशु इस संसार में आया खास करके वो अपने कि हमारे लिए अपने आप को बलिदान के रूप में देते। To shed His blood. कि अपने लहू को बहाए। When we are washed by His blood. जब हम उसके लहू के द्वारा धोए जाते हैं। We are cleansed of all our sin. हम अपने सारे पापों से शुद्ध किए जाते हैं। Now is there anything or any force that can wash us of our sin? क्या ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई सामर्थ्य है जो हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर दे? Is there anything that can remove all that we have done against God? क्या ऐसा कुछ है जो कि उन सारी बातों को दूर कर दे जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध में किया है? All that we have done against His will for us. जो कुछ भी हमने उसकी इच्छा के विरुद्ध में हमारे लिए किया है? All that which we have done against our conscience. और जो कुछ भी हमने अपने विवेक के विरुद्ध में किया है? This conscience which God has given us. ये विवेक जो कि परमेश्वर ने ही हमें दिया है. So is there anything that can change our sin-soiled life? क्या ऐसा कुछ है जो हमारे पाप के दलदल के जीवन को बदल सकता है? To a life which is clothed in sparkling whiteness. और ऐसा जीवन दे सकता है जो कि पूरी तरह से श्वेत है, जो चमचमाता हुआ श्वेत है. This whiteness of God's righteousness. और ये तो परमेश्वर की धार्मिकता की शुभ्रता है या कहिए सफेदपन है. No, my friends. नहीं, कोई नहीं दे सकता दोस्तों. There is no one else who can do this. कोई भी इसे नहीं कर सकता. There is nothing that can cleanse us. ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें शुद्ध कर सके. Nothing can wipe our slate clean. कोई भी हमारी स्लेट को धोकर साफ नहीं कर सकता एक्सेप्ट द ब्लड ऑफ जीसस केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है नाउ दैट इज द power of his blood aur yahi to uske lahu ki samarth hai you know when jesus was with his disciples in the upper room aap jante hain jab yeshu apne chelon ke sath upri kotri mein tha he was preparing them for the end that was going to come to wo unhe taiyar kar raha tha us ant ke liye jo ki aane wala tha and he took a basin of water aur usne pani ko liya and he started washing the feet of the disciples aur wo chelon ke pairon ko dhone laga now this was done in demonstration अब ये तो इस बात को प्रकट करने के लिए किया गया Of the fact that all the disciples must live in humility towards each other. इस सच्चाई के लिए कि सारे चेले जो हैं एक दूसरे के प्रति नम्रता में जीते चले जाएं। But we also told Peter. और हमने उसने पत्रस से ये भी कहा That unless I wash you. कि जब तक मैं तुझे धो न दूं। You cannot be a part of me. तू मेरा भाग नहीं हो सकता। And the same thing. goes on even today aur yahi baat aaj bhi waisi hi hai unless jesus washes us jab tak ki yeshu hame dho na de we cannot be a part of his kingdom hum uske rajya ke bhagi nahi ho sakte we cannot be a part of his family hum uske parivar ke bhagi nahi ho sakte we cannot enjoy the riches and the grace that is waiting for us hamare liye jo dhan aur anugrah hamare raah dekh raha uske bhagi nahi ho sakte we cannot experience the love and the wonderful fellowship that jesus has for us aur yeshu ne hamare liye jo prem aur adbhut sangati rakhi uska hum aanand nahi utha sakte so let's go back to that epistle of john aaiye yohanna ki is patri mein hum wapas chalte hain and let's go back to those verses aur in vachno ko hum fir se dekhte hain now
When we read those verses, we see. अब जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो ये देखते हैं. There are two aspects. कि यहाँ पर दो दृष्टिकोण हैं. One is light and darkness. एक तो है अंधकार और ज्योति का. And the other is sin and forgiveness. और दूसरा है पाप और क्षमा का. Now these are two paradoxes. अब ये तो दो ऐसे मुख्य भाग हैं, विपरीत बातें हैं. Now the two paradoxes are the choices that every human being has to face. देखिए ये ऐसी दो एक दूसरे की विपरीत बातें हैं जिसका हर एक मनुष्य को सामना करना पड़ता है. Now, unfortunately, देखिए दुर्भाग्यवश, we cannot say I don't want to make a choice. हम ये नहीं कह सकते कि मैं कोई चुनाव नहीं करना चाहता. We cannot be neutral. हम न्यूट्रल नहीं हो सकते. We have to make a choice. हमें एक चुनाव तो करना ही होगा. Will we accept darkness? क्या हम अंधकार को स्वीकार करेंगे? Or will we and reject the light? और ज्योति का हम इनकार करेंगे? Or will we accept the light? या फिर हम ज्योति को स्वीकार करेंगे? And reject the darkness. और अंधकार का इनकार करेंगे? What is the choice that you want to make today, my brother and sister? मेरे भाइयों और बहनों, आज आप कौन सा चुनाव करना चाहती हैं? What is the consequence of this choice? और इस चुनाव के परिणाम क्या होंगे? John says. यूहन्ना कहता है. If we claim to walk in fellowship with God. अगर हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ की संगति में चलते हैं. But continue to walk in darkness. और फिर भी अंधकार में चलते चले जाएं. But we are only fooling ourselves. तो हम तो केवल खुद को धोखा देते हैं. Jesus said. यीशु ने कहा. I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ. John chapter 8 and verse 12. यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 में हम देख सकते हैं. He says, whoever follows me. वो कहता है जो भी मेरे पीछे चलेगा. Will not walk in darkness at all. वो अंधकार में नहीं चलेगा. In God there is no darkness at all. परमेश्वर में कोई भी अंधकार नहीं है. He is light. वो तो ज्योति है. And the darkness cannot overcome it. और अंधकार उसके ऊपर जय नहीं पा सकता. So if we walk in darkness. और इसलिए अगर हम अंधकार में चलते हैं. What will we reap? तो फिर हम क्या फसल की कटनी करेंगे? We will reap the fruits of darkness. और हम अंधकार के फलों की उसके फलों को ही पाएंगे. Paul tells us about this in Galatians chapter 5 and verse 19. और पौलुस इसके बारे में गलातियों अध्याय 5 वचन 19 में हमें बताता है. He says the acts of the flesh are obvious. वो कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं. Sexual immorality. शारीरिक अनैतिकता. Impurity. अशुद्धता. Debauchery. और एक दूसरे से बैर करना. Idolatry. वो कहता है मूर्ति पूजा. Witchcraft. जादू टोना. Hatred. नफरत. Discard. और एक दूसरे का अपमान करना. Jealousy. जलन. Fits of rage. और डाहा. Selfish ambition. और खुद के बुरे उद्देश्य रखना. Dissensions. कहता है क्रोध. Fractions. विरोध. Envy. फूट. Drunken orgies. और मतवालापन. And the like. और इस तरह की बातें. Now this is a very long list of traits that Paul has given to us. अब देखिए ये तो पौलुस ने हमें जो सूची दी है इसकी बहुत बड़ी सूची है. And Paul says at the end of this. और इनके अंत में पौलुस कहता है. I warn you. मैं तुम्हें इस बात की चेतावनी देता हूँ. As I did before. जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया. That those who live like this. कि जो ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं. They will not inherit the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे. You know that. Very often we think that if we go to church on Sunday. हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम रविवार के दिन चर्च में चले जाएं. Then everything is taken care of. तो सब कुछ ठीक हो जाता है. I have become very good person. मैं तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो गया हूँ. But you know that is not enough. लेकिन देखिए ये बात काफी नहीं है. It is important to go to church. देखिए चर्च में जाना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है. Please do not think that I am saying it the other way. आप ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चर्च में नहीं जाना चाहिए. But God is looking for a heart that will obey him. परमेश्वर ऐसे दिल को देख रहा है जो उसकी आज्ञा मानेगा. A heart that will live in obedience. ऐसा दिल जो कि उसकी आज्ञाकारिता में जीता जाएगा. He wants a heart that is separated unto him. वो चाहता है कि हमारा ऐसा दिल हो जो उसके लिए अलग किया गया हो. Do we love him enough to say? क्या हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि उससे कह सके? Lord, I want to walk in the light. प्रभु मैं ज्योति में चलना चाहता हूँ. Where you are. जहाँ पर तू है. I want to live in fellowship with you. मैं तेरे साथ संगति में जीना चाहता हूँ. I want to confess the many ways in which I have sinned against you. मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत से तरीके से जो पाप किए उसके लिए मैं अंगीकार करना चाहता हूँ. I want to separate myself from the deeds of darkness. मैं अंधकार के कामों से अपने आप को अलग करना चाहता हूँ. Because more than anything else. क्योंकि बाकी सारी बातों से बढ़कर. I want to continue to walk in fellowship with you. मैं तेरे साथ में निरंतर संगति में चलना चाहता हूँ. You know when Adam and Eve were in the Garden of Eden. जानते हैं जब आदम और हव्वा आदन की वाटिका में थे. They used to walk with the Lord in the evening in the
garden. वो शाम के समय परमेश्वर के साथ में चलते थे. What a wonderful fellowship that would have been. ये तो सच में कितनी अद्भुत संगति हुई होगी. But when sin entered, when they sinned against the Lord. लेकिन जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया. When they deliberately rebelled against his command. जब उन्होंने जानबूझकर उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध में काम किया. Then that fellowship was broken. तो फिर ये संगति तोड़ दी गई. Now who suffered? अब किसने दुख उठाया? Man is the one who suffered. मनुष्य है जिसने इसके कारण दुख उठाया. He had to toil with the sweat of his brow. अब उसे अपने माथे के पसीने से यहाँ पर मेहनत करते चले जाना था. And the woman had to give birth to children in great pain. और स्त्रियों को यहाँ पर अभी बड़े दर्द के साथ, पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देना था. And pain and anguish entered into this world. और इस संसार में यहाँ पर जो दर्द है और पीड़ा है, इस संसार में आ गया. But if we do not rebel against the Lord. लेकिन अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा न करें. Or as John says, we confess our sin. और जैसे यूहन्ना कहता है कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार कर लें. Then we are reunited with the Lord. तो हम परमेश्वर के साथ में फिर से जुड़ जाती हैं. And our fellowship continues. और हमारी संगति बनी रहती है. So my dear brothers and sisters. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. Please take care of this fellowship that you have with Jesus. यीशु के साथ में आपने ये जो संगति रखी है, इसे आप इसको देखते चले जाएं. Count it more precious than silver or gold. आप इसे सोने और चांदी से भी ज्यादा बहुमूल्य मानते चले जाएं. Now we come to the other paradox. अब हम यहाँ पर एक और दूसरे विरोधाभास को देखते हैं. The other paradox is sin and forgiveness. और ये दूसरा जो विरोधाभास है वो तो है पाप है और पापों की क्षमा. Now John in his epistle once again I'm going to read that verse. It says if we claim to be without sin. चलिए यहाँ पर इस वचन को फिर से पढ़ते हैं. यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि यदि हम इस बात का दावा करें कि हम में कोई पाप नहीं. We deceive ourselves. तो हम अपने आप को धोखा and देते the truth हैं. Is not in us. और हम में सत्य नहीं है. But if we confess our sin, परंतु यदि हम अपने पापों को मान ले. He is faithful and just. तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है. And he will forgive our sins. और वो हमारे पापों को क्षमा करेगा. And he will purify us from all unrighteousness. और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा. If we claim we have not sinned, अगर हम ये दावा करें कि हमने कोई पाप make him out to be a liar. तो फिर हम उसे झूठा बनाते हैं. And his word is not in us. और उसका वचन हम में नहीं है. Romans chapter 3 and verse 23 and 24 says. रोमियो अध्याय 3 वचन 23 और 24 कहता है. It says we all have sinned. ये कहता है कि सब ने पाप किया. And fallen short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. So there is no one who has not sinned. यानी ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई पाप ही नहीं किया हो. Paul has told us. पौलुस हमें बताता है. We have all sinned and we need Christ's redemption. हम सब ने पाप किया और हमें मसीह के छुटकारे की जरूरत है. But as we confess our sin to God, लेकिन जैसे हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, in his great mercy, उसकी महान दया में, and his great love towards us, हमारे लिए उसके महान प्रेम में, he forgives us. वो हमें क्षमा करता है. He releases us from the hold that sin had upon us. हमारे ऊपर पाप ने जो पकड़ रखी थी उससे वो हमें आजाद करता. You know, it's like being in a trap. ये मानो एक तरह से जाल में फंसने के जैसा है. Satan is laughing at us when we are caught in sin. जब हम पाप में फंस जाते हैं तो शैतान हम पर हंसता है. But Jesus sets us free. लेकिन यीशु हमें आजाद करता है. Praise God for that. इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो. So therefore, whereas on one side, और इसलिए जबकि हम एक तरफ, sin is the one that imprisons us and pulls us down. पाप ये ऐसा है जो हमें यहाँ पर बंदी बनाता है, नीचे खींचते जाता है. By the actual weight of the burden. और इस बोझ के असली भार के कारण. God's forgiveness sets us free. इसमें से परमेश्वर की क्षमा हमें आजाद करती है. He sets us free from that bondage. वो उस बंधन से हमें आजाद करता है. Hallelujah. Hallelujah. God is passionate about cleansing us. परमेश्वर हमें शुद्ध करने के बारे में जिज्ञासा से भरा है. Let us look at Mark chapter 1. आइए मरकुस अध्याय से देखते हैं. Verses 40 to 45. वचन 40 से 45 तक यहाँ पर हम देखते हैं. हम इसे पढ़ते हैं. Yeah, we will read this verses. एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा. और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया. तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी को मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध हो जाने के विषय में जो कुछ मूसा की व्यवस्था में है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाह हो. परंतु वो बाहर जाकर इन बातों को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका.
परंतु बाहर जंगली स्थान में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे. Now we have read this wonderful encounter with a man with leprosy. यहाँ पर इस बहुत ही अद्भुत घटना को हमने पढ़ा. यहाँ पर ये मनुष्य था जिसे कोढ़ था. Now you know that Mark was very close to Peter. आप जानते हैं मरकुस जो है तो पतरस के बहुत ही करीब रहता था. And he got all the details of all the incidents from Peter when he wrote this book of Mark. और जब उसने मरकुस का ये सुसमाचार लिखा तो उसने हर एक विवरण को पतरस की ओर से बहुत ही अच्छे से सुना और उसे पूरी तरह से लिखा. Now Jesus was preaching all over Galilee. यीशु जो है पूरे गलील में प्रचार कर रहा था. And one day a man with leprosy came to Jesus and knelt in front of him. और एक दिन एक कोढ़ी व्यक्ति वहाँ पर यीशु के सामने आया और उसके सामने उसने घुटने टेके. And he began to beg him. और वो उससे विनती करने लगा. He begged him to heal him of his disease. उसने उससे विनती की कि उसके रोग से वो उसे चंगाई दे दे. Now you need to understand the social status of a leper in those days. और उन दिनों में जो कोढ़ी जो होते थे उनका सामाजिक स्तर क्या होता था इसे आपको समझना होगा. Leprosy was a terrible disease to have. और जो कोढ़ है ये तो उस समय में बहुत ही भयानक ऐसी बीमारी थी. The disease was very difficult to treat. और उन दिनों में इसका उपचार बहुत ही मुश्किल था. So by law a leper had to live in isolation for fear of spreading the disease. और इसीलिए व्यवस्था के अनुसार ये जो रोग है दूसरों को न फैल जाए इसलिए इस कोढ़ी व्यक्ति को सारे समाज से दूर रहना पड़ता था. But the Jewish community took this too far. लेकिन यहूदी जो समाज है इसे बहुत हद के पार लेकर गया. And what they did was they ostracized the leper totally. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोढ़ियों को पूरी तरह से दूर कर दिया, पूरे शहर से बाहर निकाल कर रख दिया. So when he walked on the road, और जब वो सड़क पर चलता, he had to shout, तो उसे चिल्लाना पड़ता, I am a leper, I am a leper. मैं एक कोढ़ी हूँ, मैं एक कोढ़ी हूँ. Or a leper is coming, stay away. या फिर वो कहता कि कोढ़ी आ रहा है, तुम दूर हो जाओ. He had to ring a bell. या फिर उसे घंटी बजानी पड़ती. And warn the people. और लोगों को चेतावनी देनी पड़ती. He was deprived of going to the temple. और यहाँ तक कि उसे भवन में जाने की आज्ञा नहीं दी जाती थी. The temple was a very crucial part of the Jews' life. और यहूदी लोगों के जीवन में ये जो भवन था ये तो बहुत ही मुख्य ऐसी भूमिका निभाता था. But he was not allowed there. लेकिन कोढ़ी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी. He could not stay with his family. वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था. For children or husband or relatives. अपनी पत्नी अपने पति के साथ या अपने बच्चों के साथ वो नहीं रह सकते थे. He was an outcast before man and before God. और ऐसे उन्हें लगता था कि वो परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने मानो जाति से बाहर निकाल दिया व्यक्ति है. But you know this leper must have heard about Jesus. लेकिन इस कोढ़ी ने यीशु के बारे में जरूर सुना होगा. He must have heard that unlike other Jews, Jesus did not mind interacting with lepers. और उसने ये भी सुना होगा कि दूसरे यहूदियों के तो जैसे यीशु नहीं है और वो तो कोढ़ियों के साथ में बातचीत करने उनके साथ में मिलकर काम करने में बुरा नहीं मानता. He also must have heard that Jesus had the power to heal him. उसने ये भी सुना होगा कि यीशु के पास में उसे चंगाई देने की सामर्थ है. No one else could do anything for him. कोई भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था. He had Jesus had the power to put an end to him living as an outcast. और यीशु के पास में सामर्थ थी कि वो पूरी तरह से इसे जैसे कि ये बाहर निकल चुका था, नगर से बाहर निकल चुका था, इस ऐसी दशा से उसको बाहर निकाल सके. And he could restore his life to the way God intended him to live. और वो ऐसा जीवन उसे दे सके जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि वो जीते जाए. Now this is what happens when we come to Jesus for cleansing. और जब हम यीशु के पास शुद्धिकरण के लिए आते हैं बस यही तो होता है. The song it's your blood that cleanses me. और ये गीत है जो कि ये तेरा लहू है जो मुझे शुद्ध करता है. It's a beautiful song. ये बहुत ही सुंदर गीत है. It says it's your blood that cleanses me. ये कहता है ये तेरा लहू है जो मुझे शुद्ध करता है. It's your blood that gives me life. ये तेरा लहू है जो मुझे जीवन देता है. It's your blood that took my place. ये तेरा लहू है जिसने मेरी जगह ले ली. A great redeeming sacrifice. ये तो तेरा महान छुटकारा देने वाला बलिदान है. That washes me. जो मुझे शुद्ध करता है. Whiter than the snow. हीम से भी श्वेत बनाता. My Jesus. मेरा यीशु. My precious sacrifice. मेरे बहुमूल्य बलिदान. Oh yes, Jesus's blood is the one that cleanses us. यीशु का लहू ही है जो हमें शुद्ध बनाता है. So it just put ourselves in the place of the leper. और इसलिए अपने आप को अगर हम कोढ़ी की जगह पर रखकर देखें. You know, in the eyes of God,
sin is like leprosy. जानते हैं परमेश्वर की दृष्टि में पाप तो एक कोढ़ के जैसे है. So when we come to Jesus, इसलिए जब हम यीशु के पास में आते हैं, He cannot even come close to us because there is no connection between God and sin. वो हमारे करीब भी नहीं आ सकता क्योंकि पाप और परमेश्वर के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है. But then He has given the sacrifice for us. लेकिन उसने हमारे लिए ये बलिदान दिया है. So He reaches out to us. और इसलिए वो हम तक पहुंचता है. When we kneel down before Him, जब हम उसके सामने घुटने टेकते हैं, and we say Jesus, और हम कहते हैं यीशु, will you not cleanse me? क्या तू मुझे शुद्ध नहीं करेगा? He will always say yes, I will. वो हमेशा कहेगा कि हाँ मैं शुद्ध करूँगा. Be healed. तुम चंगे हो जाओ. Let all your sins be washed away by my blood. और तुम्हारे सारे पाप मेरे लहू के द्वारा धो दिए जाएं. So what happens when Jesus cleanses us? और जब यीशु हमें शुद्ध करता है तो क्या होता है? Firstly, He heals all our diseases. सबसे पहले वो हमारे सारे रोगों को चंगाई देता He है. He washes all our sin. वो हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है. And then He restores our relationship with Him. और वो अपनी संगति हमारे साथ में फिर से वापस जोड़ देता He है. He rehabilitates us in our families and our communities. वो हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमें फिर से जोड़ देता है. What a wonderful cleansing! ये कितना अद्भुत शुद्धिकरण है. If we come to the fountain of life, अगर हम ज्योति के उस सोते के पास में आते हैं, we will never be disappointed. तो हम कभी निराश नहीं होंगे. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, there may be many of you who have heard the name of Jesus for the very first time. आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के बारे में पहली बार सुना है. And I just pray that this message will come to you somehow. और मेरी प्रार्थना है कि संदेश किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंचे. There may be many frustrations in your life. हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी निराशाएं हैं. In the journey of life, we may have taken many wrong turns. इस जीवन के इस यात्रा में हमने बहुत से गलत मोड़ लिए हैं. There's a possibility that our life is in a mess. ऐसी संभावना है कि हमारा जीवन पूरी तरह से गड़बड़ी में है. But today Jesus is there for you. लेकिन आज यीशु आपके लिए है. He is the only one who can get you back. वही तो है जो आपको वापस लेकर आ सकता है. He is the only one who can restore his relationship with you. और वही तो है जो आपके साथ में अपनी संगति वापस जोड़ सकता है. He can wash all your sin. वो आपके सारे पापों को शुद्ध कर सकता है. All the peace that is no longer existent in your life when you get reunited to the Father. जब आप पिता के साथ में वापस जुड़ जाते हैं तो जो सारी शांति जो आपके जीवन में पहले अस्तित्व में नहीं थी, that will be restored to you. वो अभी वापस आपको मिल जाती है. You will feel the peace that passeth all understanding. और आप वो शांति पाते हैं जो कि सारी समझ से परे हैं. My humble request, मेरी नम्र विनती यही है, is that you come to him. कि आप उसके पास में आए. Come to him, kneel down before him. मैं आए उसके सामने घुटने टेक दे. And say, Jesus, heal me. और कहे, यीशु मुझे चंगाई दे. Jesus, cleanse me. यीशु मुझे शुद्ध कर दे. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं. Father God, we just thank you so much. पिता परमेश्वर, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. For that precious blood which you shed for us on Calvary. उस बहुमूल्य लहू के लिए जो तूने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए बहाया. Father, we read about the terrible time that you had. और पिता, हम सच में इस बात के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पर कितना भयानक समय तूने बिताया. What, how you were lashed with the whip. और कैसे तुझ पर बुरी तरह से कोड़े मारे गए. How pieces of your flesh just fell to the ground. और कैसे तेरे मांस के चिथड़े जमीन पर गिरते चले गए. How your blood was streaming from all over your body. और कैसे तेरा लहू पूरे शरीर से बहते जा रहा था. And then Father, when they nailed you to the cross. और फिर पिता, जब उन्होंने तुझे क्रूस पर चढ़ाया. What terrible pain you must have felt. उस समय कितना भयानक दर्द महसूस किया. And Father, when you hung from that cross, और यीशु जब तू उस क्रूस के ऊपर लटका था, how you died of asphyxiation, कि कैसे वहाँ पर एक जगह जड़ देने के कारण किस तरह से मरा, दम घुटने के कारण कैसे मरा. ओ फादर, हे पिता, we want to thank you for the blood you shed for us. तूने हमारे लिए जो लहू बहाया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. We do not deserve it. हम इसके लायक नहीं. But we thank you, Lord, that you have shed this blood so that we can, each one of us can be cleansed. लेकिन धन्यवाद करते पिता कि तूने ये लहू बहाया ताकि हम में से हर एक व्यक्ति शुद्ध किया जाए. That we can be restored to the Father. कि हमारा मेल मिलाप पिता के साथ में. That we can experience peace in our heart. कि हम अपने दिल में शांति का अनुभव कर सके. And we can tell others about what you have done for us. और तूने हमारे लिए जो किया है उसके बारे में हम दूसरों को बता सके. We thank and praise you, Jesus. धन्यवाद देते हैं यीशु, तेरी स्तुति करते हैं. Amen. Amen. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, if the blood of Jesus means
a lot to you, अगर यीशु मसीह का लहू आपके लिए इतना अर्थ रखता है, please share this message with others. तो ये संदेश आप दूसरों को बताइए. Let them also experience the peace that you experience. और आप जो शांति का अनुभव करते हैं, वो दूसरे लोग भी इसी शांति का अनुभव करने वाले. May God be with you. परमेश्वर आपके साथ हो. Amen. Amen.